चुनावों का लगभग आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। डिलिमिटेशन कमीशन चुनाव आयोग पिछले लगभग 2-2.5 साल से लगातार कोशिश करके जम्मू कश्मीर में अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, अधिकारी लगे हैं। और जैसा समाचार पत्रों में सुनाई देता है कि आने वाले समय में कभी भी परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू कश्मीर के, 5 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको वो सौंप सकता है। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगी। और जब परिसीमन यहां डिलिमिटेशन हदबंदी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव। इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक थी 16 नवंबर को, उसमें आपने देखा होगा अगले दिन सभी समाचार पत्रों में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव होंगे, यहां 90 असेंबली सीट्स में 90 असेंबली की सीटों पर चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक सीटें जीतकर 50+ सीटें जीतने का लक्ष्य जो लिया है, उस लक्ष्य की हमने प्राप्ति करनी है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा अहम सिग्निफिकेंट योगदान जो है वो आप सबका रहने वाला है, युवा मोर्चा का, युवाओं का रहने वाला, युवाओं की मोबिलाइजेशन, युवाओं की पार्टिसिपेशन और युवाओं की भारतीय जनता पार्टी में रिक्रूटमेंट, ये बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। आज की इस योजना समीक्षा बैठक, समीक्षा तो आपने पिछले कार्यों की, अरुण देव जी ने यहां की है, कौन कौन से कार्य आपने किए हैं, आगामी योजनाओं में ये टारगेट फिक्स करें और माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जो पार्टी के साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं एक कार्यकर्ता उसको गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो हमारे खाते में नहीं होता है, वो किस गली का है, मोहल्ले का है, वार्ड का है, शहर का है। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा उसको कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई काम दे, चाहे वो पोलिंग बूथ में दे, शक्ति केंद्र में दे, मंडल में दे, जिला में दे, प्रदेश में दे, जिन जिन कार्य और उनको जिन जिन कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में शामिल करते हो, उनका एक रजिस्टर बना के आपके पास उसकी पूरी डिटेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर एड्रेस होना चाहिए। ये पार्टी के एसेट्स, यही नौजवान तो भारतीय जनता पार्टी का खजाना है और यही नौजवान तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है। और इन्हीं नौजवान कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी आने वाले अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने का दम भर रही है। इसलिए आज की इस बैठक के बाद वो सारी योजनाएं आप बनाएं।